जैसी बाकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं ना तो मैं आपको दिखाने आ जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। वो बड़ा हकीम है, रहीम है, उसकी मसलियतें वही जानता है। तुम शुक्र करो कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। आपके लिए बहुत अच्छा सूप बना के लाई हूँ, प्लीज पी लें। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम। आयसम और मिशी की मम्मी होनी थी, सब कुछ मेरी वजह से कैंसिल हो गया। ऐसा मत कहो, मंगनी अभी होनी नहीं थी, तुम्हारी वजह से थोड़ी रुकी है। और वैसे भी ये फंक्शन तो एक बहाना था, मिशी तो जब से पैदा हुई है मैंने तभी से मांग लिया था। और अगर मैं डायरेक्ट शादी की तारीख मांगती तो भाभी को तो कोई इनकार नहीं होता, है ना भाभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कि मंगनी से अंगूठी पहनवाने का नाम है तो मिशी भी यहाँ है और आयसम भी, पहना देना अंगूठी, कम से कम मेरा गिर तो खत्म हो जाएगा। पहना दे अंगूठी। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, मुझे क्या एतराज हो सकता है, अगर तुम लोग सब एग्री हो तो ठीक है। अरे आपको एतराज क्यों होगा, आप तो वैसे भी एडवेंचर लवर हैं। अम्मी, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में। अरे बेटा, तुम्हारी फुफो का नाम आएगा गिनीज बुक में, मना मत करो। अब खुश? Thank you.
वैसे मशी, हाइसिम भाई ने तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी चूज की है। एक नंबर के कंजूस हैं वो, कर ही ना ले अंगूठी चूज। और वैसे भी पप्पा ने मुझे बता दिया था, अंगूठी पप्पा ने पसंद किया। वैसे तुम्हें कितनी लकी हो ना, तुम्हें मंगनी पे डायमंड रिंग मिली है। सोचो शादी पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा। उमायमा, तुम इन चीज़ों पे मरती हो, जिससे मंगनी हो रही हो ना उसका भी अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋषि यार, ऐसे भाई में क्या मसला है तुम मुझे बताओ, इतने अच्छे तो हैं, एकदम परफेक्ट। तुम्हें ही लगते होंगे। अब ये क्या कर रही हो, अंगूठी क्यों उतार रही हो? तो ऐसे क्या हर वक्त पहन के रखूँ आप? हाँ पहन के रखो, तुम्हारी मंगनी की अंगूठी है। सुबह पहन लूँगे। वैसे ज्वेलरी को जरा संभाल के रखना चाहिए, कहेंगे से कि नियत ना बदल जाए। अच्छा ज्यादा बात है, मत करो, जाओ अपने कमरे में जाके सो। भाई मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब है कहीं नहीं जा रही, उठो यहाँ से। नहीं करना। क्या है ढीठ औरत। अच्छा तुमने यहाँ सोना है ना, चलो लाइट्स ऑफ करो उठ के। तुम मुझे सोने नहीं दोगी ना? नहीं, उठो लाइट ऑफ करो। मैं अपनी अम्मी को जाके बोलूंगी। मशल की मंगनी क्यों करवाई? आसिर, मैं पूछ रहा हूं तुमने मशल की मंगनी क्यों करवाई है? आसिर मैंने क्या? मैंने आसिर मैंने उनकी खुशी के लिए की गई खुशी भाड़ में। यहां मुझ पर क्या गुजर रही थी और तुम्हें उसकी उसकी मंगनी ज्यादा अजीज थी? सच सच बताओ मुझे, तुमने मेरे बच्चे के साथ ये जानबूझकर तो नहीं किया? वासिल झूठी, झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम, तुम्हें ये बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था, इसलिए तुमने तुम सारी की सारी लड़कियां एक जैसी होती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी मशल की मंगनी कराने की? कहीं भाग तो नहीं रही थी वो, और ना ही वो हाइसम मर रहा था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी अज़ियत का अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। मेरा बच्चा और तुम और तुम्हारे घर वाले यहां खुशियां मना रहे थे। एक बात याद रखना तुम सोनिया, मैं इस बात के लिए तुम्हारे घर वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। खुशी city।
तुमने मेरे बच्चे के साथ ये जानबूझकर तो नहीं किया? झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम। तुम्हें ये बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था। कैसे खुश हो सकती हो? जबरदस्ती कर रहे हैं सब मेरे साथ, तो मैं उस हाइसम से कभी भी शादी नहीं करती। बासिल बेटा, आज सोबिया को डिस्चार्ज कर देंगे हॉस्पिटल से, तो अगर तुम इजाजत दो तो। नहीं, तो आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं लंच टाइम में आऊंगा, अपनी बीवी को डिस्चार्ज करवाऊंगा और ले जाऊंगा। बासिल को लगता है मैंने जानबूझ के ये सब कुछ किया। तुम दिल छोटा ना करो बेटा, गुस्से में कह के गया है सब कुछ। किस बात का गुस्सा अम्मी? क्यों मुझे तकलीफ नहीं हुई? क्यों मेरा बच्चा नहीं था? तुमसे नाराज नहीं है वो हायसम और मशल की मंगनी की वजह से अपसेट है बेटा। है भी तो ठीक ना, हमने भी तो गलत किया। एक दो दिन इंतजार कर लेते हम लोग, तुम यहाँ से डिस्चार्ज होके घर आ जाती, सादा सी रस्म कर देते, अंगूठी पहना देते। बासिल, आपने सिगरेट पी है? दरवाजा बंद कर दो। बासिल बताए ना, आपने सिगरेट पी है? क्या बकवास है यार। हाँ पी है, तुमसे मतलब। आप तो हॉस्पिटल में थे ना, कब आए? अच्छा तो मतलब अब मुझे तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। मैं हिसाब नहीं ले रही, मैं तो आपकी फिक्र कर रही हूं। मत करो मेरी फिक्र, ये देखो मेरे हाथों की तरफ, मर जाने दो मुझे। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना।
दुख की बात थी और हम लोग खुशियाँ मनाने बैठ गए, उसको बुरा लगना फितरी बात है। तो आप समझाती ना उन्हें। अब देखें, आपकी की तबीयत ख़राब है और उन्हें अपने साथ लेके घर। शादी के बाद हर औरत को अपने घर अपने शौहर की परवाह करनी पड़ती है, अपना आप मिटाना पड़ता है बेटा। और आप मुझे इस झमेले में डाल रही हैं। लो, हर औरत को ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं करनी शादी। अभी शादी क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अभी मुझे अपना बिजनेस सेट करना है। तो करते रहना, शादी क्या कहती है? मामा प्लीज, मैंने आपके कहने पर मंगनी कर ली है, अब शादी के लिए फोर्स ना करें और ना ही मशल करेगी। क्यों? मशल शादी क्यों नहीं करेगी? ये तुमसे किसने कहा? ये फैसला हम दोनों ने मिलकर किया। दोनों ने? ऐसा कब हुआ? जब आप लोगों ने हमसे पूछे बगैर हमारी मंगनी तय कर दी थी। लो जी, ये है आजकल के बच्चे। फिर मंगनी करने का फायदा क्या हुआ? तोड़ दे मंगनी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम मंगनी तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसा सोचना भी मत। तो बस फिर इंतजार करो। देखो हाईसन, मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत करवाना। मामा आप सबके सामने क्यों शर्मिंदा होंगी? हाईसन, मुझे लगता है तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो। तो और खुश कैसे होते? अब तो जो होना था हो चुका, अब तुम्हें हर हाल में इस रिश्ते को निभाना होगा। तो और मैं आपसे क्या कह रही हूँ मम्मी, मैंने आपके कहने पे की थी ना मंगनी। मंगनी का मतलब भी पता है क्या होता है? किसी से एक रिश्ते में बन जाना, उसे कायम रखना, उसे निभाना। मजाक नहीं होती मंगनी कोई। समझ में आई मेरी बात? मैंने आपके कहने पे मंगनी की थी ना, अब देखिएगा अम्मी हमारी शादी करवा कर ही छोड़ेंगी। यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो मैं हरगिज आपसे शादी नहीं करूंगी। तो यहाँ कौन मरा जा रहा है तुमसे शादी करने पर? धोखा दिया आपने मुझे। देखो अच्छा हुआ कि तुमने फोन कर लिया, मैं तुमसे यही कहने वाला था कि अगर मामा तुम्हारी तरफ आए तो शादी की तैयारियां शुरू कर लो, अब हम दोनों की जान नहीं छूटने वाली। कितने झूठे इंसान हैं आप। आपने पहले मुझे कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं। मैंने कोशिश करने का वादा किया तो कर ली, अब कुछ नहीं हो पा रहा तो मेरा क्या करूं? आप ना, दिल बदल गया तो मैं क्या करूं? कहां जाए ये दिल, कहां जाए ये दिल, कहां जाए ये दिल, कहां जाए। जब है ये रिश्ते, जब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच गई लबों को सियाहे, जहर कतरा कतरा नजर छुड़ाना बचाना है मुश्किल, पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल? ऐसे में तू ही बता दे ना मोरा, तू ही बता दे कहाँ जाए दिल, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मोरा, तू ही बता दे मोरा, कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल।
हेलो हेलो बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जाहिर है ऑफिस में हूँ, बिजी हूँगा। एनीवेज आप कहिए, क्या बात है? बेटा वो मैं ये कह रही थी कि कुछ दिन के लिए ऑफिस जाते हुए सूबिया को घर ड्रॉप कर दिया करो। क्यों? वो बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, शुरू से कमज़ोर भी रही है बहुत, और ऐसी हालत में है तो थोड़े दिन आराम कर लेगी। आंटी एक बात बताइए, अगर आपको सोबिया की इतनी फिक्र है तो मशल को क्यों नहीं भेज देती हैं आप उसके घर ताकि वो उसका ख्याल रख सके? क्योंकि मैं तो सोबिया को आपके घर नहीं भेजूंगा। ठीक है बेटा, मैं मशल को भेज दूंगी। ठीक है फिर, आप मशल से कहिएगा कि वो तैयार हो जाए, मैं शाम को उसे पिक करने आऊंगा। अम्मी कितनी गलत बात है, बासित भाई को चाहिए था कि आप ही को यहाँ भेजते, हम यहाँ ठीक से ख्याल रख सकते थे उनका। ये तो हम चाहते हैं ना बेटा, बासिल को इसकी क्या परवाह, उसने तुम्हें ही वहाँ बुलवा लिया। चलो खैर, अगर वो ये भी ना कहता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते। चम्मच देना ज़रा मुझे। बहुत बदल गए हैं बासिल भाई, वो ऐसे नहीं थे पहले। फिर भी बेटा बहुत सोच से अच्छा है, दामादों वाली अकड़ नहीं है उसमें। वो तो पता नहीं उसको कोई बात बुरी लग गई होगी, वरना वो ऐसा नहीं करता। तुम जाके तैयारी तो कर लो ना, शाम को आ जाएगा वो तुम्हें लेने। जाओ। बेटा जल्दी करो, कब से हॉर्न बजा रहा है, ज्यादा इंतजार नहीं करा उसे वरना नाराज हो जाएगा। तौबा अम्मी, अब इतनी तरी सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें? रखना पड़ता है बेटा, जब बेटी का मामला हो ना तो जायज ना जायज हजार बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जल्दी करो। अम्मी मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बच्चा पहले मुझे पप्पो के घर चली जाती थी और अब आप ही के घर। भाई अम्मी मैं ही अकेले रह जाती। अम्मी सलाम अलैकुम बासिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। चले अच्छा सुनो, यहाँ आगे एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, अगर तुम कहो तो वहाँ चल के आइसक्रीम ला। नहीं थैंक यू। अरे क्यों, तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन अभी दिल नहीं जा रहा। चलो फिर आज रात को आते हैं, I'm sure तुम्हें यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं अपनी इस खुशी को मुस्तकिल बनाऊं। जी? कुछ नहीं।
सहारे मुझे छोड़ के। आपी कोई है? आपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकेली आई हो? नहीं, बासिल भाई के साथ आई हूँ। बासिल के साथ? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बेगम साहिबा, क्या हो गया? अब इतनी सी बात के लिए क्या मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है? आखिर साली है ये मेरी, आधी घरवाली है। इतना तो हक बनता है कि अपने साथ घर लेके आऊं। यार एक्चुअली आंटी की कॉल आई थी, मुझसे कह रही थी मेरी बेटी इतनी बीमार है उसको मेरी तरफ भेज दो। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो अपनी बीवी को इस हालत में कहीं नहीं भेज रहा हूँ, अगर आपको उसका इतना ख्याल है तो आप भेज देना मेरे साथ किसी को। तो उन्होंने मशल को भेज दिया और मैं इसे ले आया। क्या हुआ, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? अम्मी अकेली है। अरे उमायमा है ना उनके पास, एग्जाम्स हो रहे हैं उसके और वो घर के काम नहीं करती। अच्छा घर में काम वाली तो आती है, जब वो आ जाएगी तो तब तो अम्मी अकेली नहीं होंगी। और तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं मशल को सारी जिंदगी के लिए घर ले आया। अगर तुम्हें इतना मसला है तो ठीक है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ। चलो आओ मशल, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। बासे भाई क्या हो गया? आपी मेरी बात तो देखा तुमने? देखा ये इस तरह बिहेव करती है मेरे से, ऐसे बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम आ गई हो ना यहाँ पर तो तुम समझाना है इसे। मैं बात करती हूँ आपसे। चलो मशल बस आ भी जाओ, खास तौर पे तुम्हारे लिए मैंने ये फ्राइड फिश मंगवाई है, सोफिया को तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और आज जो तुम्हें मछली में खिलाने लगा हूँ ना, इससे पहले तुमने कभी भी ऐसी मछली नहीं खाई होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लाओ प्लेट लाओ। अरे तो सही, छोटा सा पीस है, ट्राई तो करो इसको, पहले खाओ मुझे बताओ कैसी लगती है। क्या बात है यार, बहुत ही शानदार मछली है। नैपकिन्स रुको मैं ले लेता हूँ। लड़की मुझे लगता है तुम मेरे पैसे जाया करवाना चाहती हो, खा क्यों नहीं रही हो, इतना सा पीस दिया था तुम्हें। नहीं आप प्लीज बैठे मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं खाओगी तुम, ये ले ना मैं तुम्हें बाइट देता हूँ। इन्हें ऐसे सॉस लगाकर इस पे। नहीं बासे भाई मैं खा लूंगी तुम। ऐसे नहीं तुम खाओगी, ये लो खाओ बाइट लो, बहुत जबरदस्त है लो। कैसी है? अच्छी है। मैंने तुमसे कहा था तुम खा ही नहीं रही हो इतनी देर से, मतलब क्यों, क्या वजह क्या है? तुम्हें पता मेरे पास इतना अच्छा प्लान है, ये मछली खाएंगे और ये खाने के बाद हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। हम किसी और दिन चले जाएंगे। अरे किसी और दिन क्यों जाएंगे, आज मौसम भी इतना अच्छा है और इतना अच्छा खाना भी खा लिया, मूड भी बहुत अच्छा है।
ऐसे नहीं, तुम खाओगे, ये लो खाओ, बाइट लो, बहुत जबरदस्त है। फासिल ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो मुशी को लेने जा रहे हैं। अगर ले भी आए थे तो उसके सामने मुझसे तेज लहजे में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचती हूँ कि मिशन किसी खाते में लगे हुए थे उसकी, और मुझे कितना नजरअंदाज कर रहे थे। समझते हैं सारा नुकसान मेरी वजह से हुआ। भाई आप कुछ चाहिए? हाँ एक चीज चाहिए थी। एक चाय बना दो यार, बल्कि एक काम करो ना, तुम चाय अपने लिए भी बना दो, दोनों बैठकर पीते। ठीक है आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। क्या कर रही हो इस वक्त? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, तुम्हारी बहन आ गई है, वो सब संभाल लेगी। मिशी जी, तुम्हारा कमरा रेडी कर दिया मैंने, फ्री हो जाओ तो सो जाना। जी आप ही, थैंक यू। आखिर साली है ये, आधी घरवाली है। मिशी जल्दी कर लो, बासी को देर हो जाएगी। जी आप ही, बस आखिरी पराठा बन रहा है। मिशेल ये तुमने क्या किया है? पूरे घर में पराठों की इतनी खुशबू फैल गई है कि मुझे भूख लग गई है। ये लीजिए आप ही जगह बनाइए, ये वाला लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और उसने इतने मजे के पराठे बनाए, तुमने क्या ये? वाह आ जाएगा ना मजा। आप ही ऑमलेट बस। यकीन करो सालों बाद मैंने इतना मजेदार पराठा खाया, सालों बाद। अच्छा थैंक यू।